नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्रिमंडल में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होगी और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 4 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने गर्मियों के अवकाश वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3 फरवरी 2022 से खोलने का निर्णय लिया। सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान भी 3 फरवरी 2022 से खुल जाएंगे। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के 6 दिन 100% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी। बैठक में जिम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया। सभी सामाजिक समारोहों में 50% क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक जारी रहेगा और दुकानें सामान्य तौर पर ही खुली और बंद होगी। आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलंबित रहेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गंभीर समस्या को रोकना है। मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता L1 मेसर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को IGMC RKS व CGHS दरों पर 40.50% छूट के प्रस्ताव पर HUB और स्पोक मॉडल अनुसार 236 जांच जिनमें 53 निशुल्क जांच शामिल है को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है। अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थी और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बैठक में हिमाचल भवन नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के 9 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 3 अनुभागों चढ़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चच्योट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाहवा को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सेरी भटवारा और बागी भनवास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बालीचौकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने तथा 4 पदों के सृजन और उन्हें भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया गया। इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55,58,000 रुपये व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का भी निर्णय लिया। इससे विभिन्न योजनाओं के 78,158 अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा। सिरमौर जिला के पौंटा साहिब में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कफोटा में उपमंडल अधिकारी कार्यालय नागरिक खोलने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यहां आकर के जिस गर्मजोशी के साथ सभी साथियों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राजत्व 50 वर्ष का कार्यकाल 25 जनवरी को पूरा हुआ और मैं इस बात को देख रहा था, 50 वर्ष के हिमाचल के सफर में अगर SDM के दफ्तर का यहां जिक्र हो रहा था, 78 हमारे SDM के दफ्तर हिमाचल प्रदेश में हैं और उन 78 में से 10 SDM के कार्यालय हमने इस 4 वर्ष के कार्यकाल में खोले।
इस बात को मैं दावे के साथ करता हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र में हमने हर क्षेत्र में विकास को गति देने की कोशिश की है। ऐसा कार्यकाल, ऐसा वक्त किसी मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में देखा नहीं। अगर ये कोविड का दौर नहीं होता तो आज मालूम नहीं मैं हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में कितनी बार जाकर गया। हिमाचल छोटा प्रदेश लेकिन पूरे देश भर में बिजली उत्पादन में नंबर एक पर है, पहले स्थान पर है। जहां पूरे देश में हाइड्रो सेक्टर में 45,000 मेगावाट बनती है तो 11,000 का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है, 11,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश दे रहा है। हमने कहा इतनी हम बिजली पैदा करते हैं और इस बिजली पैदा करने के बाद हमारे गरीब लोगों के लिए क्या राहत दे सकते हैं। और 25 तारीख को जब हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 51 वर्ष पूरे होने के बाद 52वां वर्ष शुरू हुआ, हमने उस दिन घोषणा की कि गरीब आदमी के लिए आज हमको 51 वर्ष पूरे होने के पश्चात हिमाचल की जनता ने इस हिमाचल को यहां पहुंचाने में बहुत बड़ा परिश्रम किया है, बहुत बड़ा उनका योगदान है, उनको राहत देनी चाहिए। हमने कहा 0 से 60 यूनिट तक कोई बिल हम नहीं लेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। हमने 15 रुपए मीटर का बिल हर महीने का आता है, सर्विस चार्जेस के पैसे हमारे हर महीने के 40 रुपए आते हैं, बिजली का मीटर का किराया भी बंद किया हमने, वो भी माफ किया और सर्विस चार्जेस भी माफ किए। सिर्फ 0 बिल देंगे, 60 यूनिट तक बिजली को कटेगा तो उसको 0 बिल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 193 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 84 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 88 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 43,02,285 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40,31,963 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,70,234 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,57,952 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 8,286 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।